परवेज मलिक साहब जाने से ऐसे है जैसे मुस्लिम लीग की नून लाहौर के सर से छत उतर गई है। मलिक साहब एक शजर सायादार की मदद थे, हमारे मुश्किल वक्तों के साथी थे। मुशरफ आमरियत के खिलाफ मलिक परवेज साहब बेजिगरी के साथ लड़े और उनके पा इस्तकलाल में नफिश मिल गए। हम मलिक साहब को हमेशा मिस करें। जाने से जो खिलाफ पैदा हुआ है वो कभी खुद का हो सकेगा। बहुत ही सटीक इंसान थे और सबके साथ लेकर चलने वाले थे और मुस्लिम लीग नून के लिए एक छतरी की माने थे और सबको उन्होंने साथ से बेटा साथ लगाया, प्यार मोहब्बत से उन्होंने अपनी सियासत की। आज के दिन बड़ा रंजीदा है और मलिक साहब की कमी हमेशा महसूस होती है। साहब उनकी फैमिली हमारी फैमिली की तरह थी और जिस तरह ये पूरी फैमिली और खुसूसन मलिक परवेज साहब जिस तरह मियां साहब के साथ पार्टी के साथ हर मुश्किल वक्त में बुरे वक्त में खड़े रहे, साथ में भाया, जिस तरह वफात की उन्होंने, मेरा ख्याल है कि कभी कोई दूसरा मलिक परवेज मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कितना लॉस है और बहुत बड़ा लॉस है। वो खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बहुत बड़ा लॉस है। उनकी वाइफ को अल्लाह ताला जिंदगी दे, बेटा है उनका अली, ये भी जाहिर है उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं लेकिन उनकी कमी कभी पूरी नहीं। बाजी आज एक ऐसे दिन, आज 12 अक्टूबर भी है, सियासी बातचीत की मांग कर रहे हैं लेकिन आपका नैब का जो केस है उसे भी रीओपन करने के लिए और उसे खत्म करने के लिए भी दरख्वास्त नैब की तरफ से की गई है, अपनी जमानत को खत्म करने के लिए और कल वो लगी भी है, तो क्या देखनी है कि आज 12 अक्टूबर के रोज ही ये तमाम चीजें हो रही है? जो नैब की दरख्वास्त है उसके बारे में मैं कल बात करूँ, मेरा ख्याल है कल ही करूँ तो बेहतर है, ये मौका नहीं है सियासी।